दिल्ली से सटे नोएडा में एक सोसाइटी को सील करने पर पुलिस और यहां रहने वालों के बीच काफी ज्यादा विवाद हुआ। पुलिस नोएडा एक्सटेंशन स्थित एक सोसाइटी सील करने पहुंची, लेकिन वहां रहने वालों ने पूरी सोसाइटी सील करने का फैसले का विरोध किया। रेजिडेंट का यह कहना था कि पूरी सोसाइटी सील होने से वो नौकरी पर नहीं जा सकेंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी, इसलिए नौकरी पेशा लोगों को आने जाने की छूट दी जाए। आपकी ना कोई सैलरी कटेगी, आप लोगों को खुद ही नहीं बुलाएंगे। मैंने क्या कहा? सुनिए, वन बाय वन मैंने क्या कहा? आपको आप यहाँ देखिए, हम सामने खड़े हैं, हम भी नौकरी कर रहे हैं, ठीक है, हम भी नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ ये कहने की बात नहीं है कि किसकी कितनी सैलरी कट रही है। मैंने क्या कहा ना, हम सरकारी नौकरी में हैं, 24 घंटे में है, हमें तनख्वाह कितनी मिलती है, 12 घंटे की मिलती है, ठीक है। आप देखिए, बहस का मुद्दा नहीं है, अगर बहस का मुद्दा है तो बाहर आ जाइए। मैं दोनों ही बात, मैंने कहा मैं जितना पोलाइट हूँ, अगर मैं यहाँ पे रीजनेबल, जितने मुझसे सवाल अगर आप लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ना हम सैलरी किसी की डिस्कस करने के लिए कि मेरी सैलरी कितनी है या आपकी सैलरी कितनी है, हम जो भी है नियम कानून में बात कर रहे हैं। जिसको जाना है वही जाएगा, जिसको नहीं जाना है नहीं जाएगा। दिस इज स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। मैंने बार बार आप लोगों से कहा है आपकी हर फैसिलिटीज के लिए। तो भूख से मर जाएगा सर, हम लोग तो भूख से मर जाएंगे, खाएंगे नहीं तो। ये आप डीएम साहब से निवेदन कर सकते हैं, कोई भूख से, देखिए जो मजदूर पलायन कर रहे थे उनको भी भूख से मरने नहीं दिया गया है। मैंने क्या कहा, उनको भी भूख से मरने नहीं दिया गया है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ऐसे सुनिए, मैंने क्या कहा है, ये गारंटी है। आप ऐसा है, आप लोग एक मेमोरेंडम बनाइए, उस मेमोरेंडम को सबमिट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है, दैट्स इट।